गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट वन पार्ट फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जो पार्ट फर्स्ट है वो बॉन्ड पैरामीटर्स है बॉन्ड पैरामीटर्स में मैं बॉन्ड लेंथ आज आपको समझाऊंगा और उसके एप्लीकेशन आपको बताऊंगा उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं ये वीडियो स्पेशली मैं जो है जई मेन्स नीट और सी बोर्ड के बच्चे जो साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करते हैं

मेनली जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम पर डिपेंड करती है मतलब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर इसमें जैसे मैंने दो केस समझाया केस फर्स्ट और केस सेकंड तो एक मतलब होमो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एटम एक ही जैसे होते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है इलन यहाँ जो शॉर्ट मैंने लिखा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो होमो एटम वाले मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनीटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होता है और जो हेट्रो एलिमेंट होते हैं जिसमें मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हेट्रो एलिमेंट लगे हों तो वहाँ इलेक्ट्रोनीटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो होगा जैसे सी सी एल में इलेक्ट्रोनी डिफरेंस नहीं होगा हो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रो क्या है बराबर है जबकि बी सी एल बॉन्ड के अंदर क्लोरिन की इलेक्ट्रोनिविटी बोरॉन से ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रोनीटिविटी डिफरेंस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ये थोड़ा आगे मदद करेगा अब आइए फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि किन कैन यही फैक्टर जो है वो ज़्यादातर जेई मेंस और नीट के एग्जाम में पूछा जाता है और भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा जाता है चलिए फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स क्या है तो पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अब फार्मूला क्या है इसका पहला फार्मूला बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रपोर्सनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानि की इलेक्ट्रॉनिटिटी ज्यादा होगी अगर तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी शॉर्टर हो जाएगी हायर इज द इलेक्ट्रॉनिटी शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ तो, तो देखिए मैंने एक हेलोजन एसिड का एग्जाम्पल लिया हुआ है तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनिट सबसे कम होती है तो हेलोजन एसिड जो आई से बनेगा एच आई उसकी लेंथ सबसे बड़ी होगी यानी सबसे छोटी बॉन्डलिंग एच एफ की होगी देन उससे बड़ी एस सी एल की देन एच बी आर सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी एच आई की क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी एच आई की जो है सबसे लीस्ट होती है दूसरा फार्मूला बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड नंबर भी कहते हैं यानी कि दो आइटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है तो बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड ऑर्डर यानी कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या ज्यादा होगी या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है

तो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं रिजोनेंस पे बात करते हैं रिजोनेंस के वजह से भी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है जो कि रिजोनेंस uh, हो जाने से सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है इसलिए बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट पड़ता है मैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा इसमें होता यह है कि अगर किसी सिस्टम में या मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेस हो जाने की वजह से वहाँ लेंथ पर फर्क पड़ जाता है जैसे बेंजीन मिले यहाँ मैंने एक बेंजीन मालिक्यूल को दिखाया हुआ है जिसमें कि रेजोनेंस हो रहा है और जब रेजोनेंस होता है तो इसमें देखें चूंकि बेंजीन में सिंगल बॉन्ड भी सी सी सिंगल बॉन्ड भी होता है और सी सी डबल बॉन्ड भी होता है तो सी सिंगल बॉन्ड सी की बाउंडलैंग वन होती है और सी डबल बॉन्ड सी कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ 1.34 होती है जबकि पूरे बेंजीन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 1.39 आती है यहाँ देखिए बेंजीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 आती है तो देखिए 1.39 वैल्यू 1.54 और 1.534 के बीच की है यानी रेजोनेंस हो जाने से बॉन्ड लेंथ जो ना होती है ना सिंगल बॉन्ड में आती है ना डबल बॉन्ड में आती है

चार ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन या तो एस थ्री होगा या एस टू होगा या एस होगा तो देखिए एस जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें एस ऑर्बिटल का फिफ्टी परसेंट इन्वॉलमेंट होता है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हुआ फिफ्टी परसेंट एस टू में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हुआ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री और एस पी थ्री में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होता है ट्वेंटी यानी हायर इज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर शॉर्टर इज द इज़ इजर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप जान जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ आपको पता लग जाएगी मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आपको बताया हुआ है जैसे यहाँ देखिये ये यह मोलिक्यूल है यहाँ तो यहाँ पास देखिये यहाँ सी सिंगल बॉन्ड सी है और सी डबल बॉन्ड है तो पहले वाले कार्बन पर हाइबेशन कितना हुआ? SP3, और दूसरे वाले पे एक पाई बॉन्ड है तो हाइबेशन कितना सी सिंगल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी तो हाइबेशन कितना हुआ चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो वहां sp होगा तो इस मोलिक्यूल में इनमें हाइबेशन ये sp3 sp होने की वजह से लेंथ कितना आ गई ये फर्क आ गया और जबकि क्वेश्चन नंबर नंबर थर्ड थर्ड सॉरी मतलब पॉइंट में देखें सी डबल बॉन्ड सी फिर सी सिंगल बॉन्ड सी है और फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना बनेगा इस पर भी एस पी टू होगा पहले वाले पे भी दूसरे वाले भी एस पी टू होगा और तीसरे और चौथे पर कितना होगा एसपी होगा तो जनरली इस, 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 इस पर हमें हमें जिस पर हाइबेशन एस पी टू एस पी है उस पर वन पॉइंट फोर टू एंगस्ट्रॉम की लेंथ आ रही यानी कि अगर हाइब्रेशन की सेट करें तो सबसे बड़ी लेंथ किस पर आ रही है एसपी थ्री एसपी टू पहला वाला केस वन पॉइंट फाइव वन एस पी थ्री एस पी पर कितना आ रहा है और लास्ट वाले में एस पी टू और एस पीटेजर पर दोनों में ज्यादा बढ़ गया है तो बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही लास्ट में आ रही है तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं जेई मेन्स और एडवांस में और नीट में तो ये आप इस तरह से जो है इसको समझ सकते हैं अब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू